सो गाइस, सबसे पहले हम आप लोग को फुल गारंटी देना चाहेंगे कि आपका साइकिल में कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ गाइस, एकदम आप सही सुने, आपका साइकिल में कभी भी रस्ट नहीं लगेगा, फ्यूचर में भी कभी नहीं लगेगा रस्ट। क्योंकि गाइस आज जो है इस वीडियो में हम आप लोग को बेस्ट फॉर्मूला के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, अगर आप अपना साइकिल में अप्लाई करते हैं, चाहे आपके पास देसी 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो, हालांकि ये हमारा न्यू साइकिल नहीं है गाइस, हम ये साइकिल का मॉडिफाइड किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस बताना चाहेंगे, आपके पास MTB में किसी भी कैटेगरी का कैसा भी साइकिल हो, चाहे न्यू साइकिल हो, पुराना साइकिल हो, पुराना साइकिल तो ऑलरेडी वो आपका रस्ट रहेगा ही गाइस, अगर आप न्यू साइकिल खरीद रहे हैं कोई भी शॉप से या फिर लेने वाले हैं न्यू साइकिल, ठीक है गाइस। तो आप अगर हमारे इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं, तो कभी भी रस्ट नहीं लगेगा, इसका हम जो है आप को फुल गारंटी देते हैं गाइस। तो चलिए आप लोगों का कीमती समय ज्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वो कौन सा फॉर्मूला है जो कि आप लोग अपने साइकिल में यूज करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, रस्ट नहीं लगेगा साइकिल में। तो गाइस वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं तो गलती आपका रहेगा, हमारा नहीं। तो जैसा कि गाइस देख पा रहे हैं, हमारे पास एक कॉटन है गाइस, सूती का कपड़ा है, तो इस तरह का एक आपको सूती का कपड़ा लेना है गाइस, और गाइस एक आपको इस तरह का कीप लेना है जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन गाइस ये कीप का अंदर में एक सामान है गाइस जो कि है ऑयल। एक मिनट गाइस, आप लोग वीडियो को छोड़ के चल जाते हैं, हम इसीलिए आपको बताएं, अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं तो गलती आपका रहेगा। सो गाइस, तो इसमें जो ऑयल है गाइस वो आपका बाइक का इंजन का ऑयल है, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, बाइक का इंजन का ऑयल ले लेना है और इस तरह का एक आपको न्यू सूती का कपड़ा लेना है, ठीक है गाइस, एकदम फ्रेश होना चाहिए, जरा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना बड़ा लेना है, ठीक है गाइस, आप छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम छोटा इसको एक टुकड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, हम जो है छोटा सा एक टुकड़ा ले लिए हैं और बाकी टुकड़ा को पैकेट में रख लेते हैं। और गाइस हम आप लोग को दिखाते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं गाइस, इसमें आपका ऑयल, देखिए गाइस बाइक का इंजन का ऑयल, हम आप लोग को बताएं आपको क्या करना है, इस तरह से सूती का कपड़ा में ऑयल को लेना है, जैसा कि देख पा रहे हैं, एकदम न्यू ऑयल होना चाहिए गाइस, जला हुआ ऑयल का यूज़ नहीं करना, एकदम न्यू ऑयल का यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरह का आपको कपड़ा में लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, एकदम अच्छे से बता रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से बारीकी से देखने तो अच्छी बात है। सो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, हम कपड़ा में जो है ऑयल को एकदम अच्छे से ले लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नट में देखिए थोड़ा सा रस्ट आपका लगा हुआ गाइस, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है ऑयल को अप्लाई करना है गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, एकदम अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है गाइस, एकदम अच्छे से ऑयल को लगा देना है। ऑयल को लगाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का हल्का जो है साफ कर देना है कोई दूसरा कपड़ा लेने के बाद, ठीक है गाइस, एकदम हल्का करना, ज़्यादा नहीं, इस सब जगह में, ठीक है गाइस, इस तरह से आपको हर एक नट बोल्ट में साइकिल का कर लेना है। अब चलिए गाइस आपको मेन जगह में दिखाते हैं, जैसा कि गाइस हैंडल में ये सब नट बोल्ट आप देख पा रहे हैं, हालांकि कलर किया हुआ है गाइस, ठीक है, तो आपको देख लेना, अगर कलर किया हुआ रहेगा तो ठीक है गाइस, अगर कलर किया हुआ नहीं रहेगा तो ये हम आपको MTB साइकिल में बता रहे हैं गाइस। तो इसी तरह से आपको जो है अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद जो है गाइस ऑयल को अच्छे से आपको रिमूव कर देना, ठीक है गाइस, इस तरह से, जैसा कि देख पा रहे हैं, दूसरा कपड़ा लेने के बाद ये हो गया गाइस आपका MTB रेंजर साइकिल में, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, तो सभी नट बोल्ट में गाइस आपको अच्छे से ऑयल जो है अप्लाई कर देना है, जिस तरह से हम आप लोग को बताएं, आपका साइकिल में कभी भी रस्ट नहीं लगेगा गाइस, हम आप लोग को जैसा कि फुल गारंटी दिए गाइस, ये चीज को गाइस आपको अप्लाई करना है 2 दिन में एक बार, ठीक है गाइस, हर 2 दिन में एक बार आपको यूज करना है, ये आपका साइकिल कभी भी रस्ट नहीं लगेगा गाइस। अब आपको हम बताते हैं गाइस, देसी 22 इंच का साइकिल में, 22 इंच का साइकिल हो या फिर 20 इंच का साइकिल हो गाइस, जिस तरह से हम आपको बताएं, क्योंकि गाइस 22 इंच साइकिल हो या फिर 20 इंच साइकिल हो, हैंडल हो या फिर अदर पार्ट्स हो, तो स्टील का पार्ट्स ज़्यादा होता है गाइस, निकिल का पार्ट्स ज़्यादा होता है, तो निकिल में क्या है गाइस, अगर आप अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर देते हैं गाइस, हैंडल वगैरह में हो इस तरह से, ठीक है गाइस, नट बोल्ट वगैरह में हो, ठीक है, उसके बाद आप जो इस तरह से फ्रेश कर देते हैं, तो इस सब जगह में क्या होगा गाइस, जरा सा भी अगर पानी लगता है तो रस्ट लगेगा ही नहीं गाइस, रस्ट लगने का संभावना नहीं आएगा, हर 2 दिन में एक बार आपको करना गाइस, ज़्यादा करके आपको अप्लाई करना है देसी 22 इंच का साइकिल में और 20 इंच का साइकिल में। अगर आप ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो जैसा कि हम आप लोग बताएं, कभी भी आपका साइकिल में रस्ट नहीं लगेगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है गाइस, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि गाइस हम आप लोग को एकदम सही जानकारी और सटीक जानकारी दिए हैं, जो कि गाइस हम हमेशा वीडियो में बोलते हुए आ रहे हैं। और गाइस एक चीज बताना चाहेंगे लास्ट और आखिर में, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप अपना साइकिल में ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं तो आपका साइकिल का पार्ट्स कभी भी खराब नहीं होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपके पास साइकिल हो गाइस। लेकिन गाइस ऑयल कौन सा यूज़ करना है, एकदम न्यू ऑयल का यूज़ करना है, जो कि बाइक का इंजन का ऑयल रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर साइकिल रिलेटेड नॉलेज वीडियो हमेशा आप लोग को मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। एक मिनट गाइस, एक चीज़ आप लोग को बोलने के लिए हम भूल गए हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे, अदर दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि गाइस अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है।